चलेगा, टेंशन ले लीजिए, बने रहिए आप, हम लोग वहाँ भी डांस करेंगे। गुंजन डांस करेगा, हाँ आप भी नाचिएगा ना। हेलमेट उतार लीजिए भाई। व्हाट्सएप एवरीबॉडी, दिस इज द मंगलम ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है, स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हम रांची में हैं, पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, तो अभी मैं नीचे उतर गया हूँ ग्राउंड फ्लोर में, और हम लोग कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, रुक्का डैम जाने का प्लान बना रहे हैं। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा जैसा कि, और अभी शाम के 3 बज चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड है मनीष जी, उधर पीछे गुंजन बैठा हुआ है, और इधर मुन्ना है, देख सकते हैं आप, इधर मुन्ना है मेरा भाई है, और ये रही मेरी बुलेट, कल मैं फॉर्म वॉश करवाया हूँ, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं इस बुलेट से जाऊँगा, मैं और मुन्ना। ये इधर बैठे हुए हैं मनीष जी, इनका हेलमेट में शीशा भी उड़ गया है, शीशा भी टूटा हुआ है इनका, और पीछे देखिए गुंजन बैठा हुआ है, टोपी कैसा पहना हुआ है, देखिए टोपी कैसा पहना हुआ है, और चश्मा भी लगा लिया ऊपर से, एकदम मस्त लग रहा है देखने में। हम लोग रुक्का डैम जा रहे हैं जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है रुक्का डैम। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, वीडियो बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए गुंजन और मनीष आगे जा रहे हैं। आगे निकल चुके हैं हम, पेट्रोल लेने के लिए रुक गए थे, और मनीष गुंजन पता नहीं कहाँ, देखिए मनीष गुंजन यहाँ पे। ए, चलो, आज का मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा है, देख सकते हैं आप, वो भी नहीं है एकदम, और एकदम कोल्ड कोल्ड लग रहा है, जैकेट हमने पहन लिया है, ठंडा लगने का तो कोई बात ही नहीं है। तो आज घूमते हैं, संडे का दिन भी है, मज़ा आता है, तो आपको दिखाते हैं वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। जो जगह हम जा रहे हैं वो टूरिस्ट की प्लेस है, टूरिस्ट पर्यटन है, वो पर्यटन स्थल है, वहाँ लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं, वहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। ठीक है, ये टोयोटा शोरूम है, हेलीकॉप्टर का नाम है इसका, टोयोटा शोरूम के पास हम पहुँच गया है, गाड़ी चल रही है यहाँ पे, देख सकते हैं आप रोड क्रॉसिंग में कितना दिक्कत हो रहा है। ये रास्ता रुक्का डैम की तरफ ले जाता है, देखिए गुंजन और मनीष यहाँ पे आगे पहले से खड़े थे। रुक्का डैम यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां से सीधा आना है रुक्का डैम वाले रास्ते में जो हम आ गए हैं, और रुक्का डैम वाले रास्ता एकदम सीधा है, कहीं मोड़ना नहीं है आपको, कहीं मोड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस रोड में आ जाती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। देखिए रुक्का डैम यहाँ से दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितना दूर तक फैला हुआ है ये,
और वो पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं पिकनिक मनाने के। लगता है इतने लोग घूम के आ रहे हैं, देखिए वहीं से आ रहे हैं सब। यहाँ पे बिस्लेरी का देखिए बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ बिस्लेरी का बोतल मिलता है, यहाँ पे मिनरल वाटर मिलता है बिस्लेरी कंपनी का। कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे देख सकते हैं आप, सड़क बंद है का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ देखिए कुछ बन रहा है। देखिए इधर हम लोग मुड़ गए हैं, यहाँ से राइट ले लेना है, राइट की तरफ मुड़ गए हैं। कितना देखिए कितना गंदा रोड है, एंट्री यहाँ टिकट लग रहा था, एक गाड़ी का 20 रुपये ले रहा था बाइक वाला का, तो यहाँ टिकट हम लोग दे दिए हैं दो गाड़ी का, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आगे पिकनिक स्पॉट है, ये देख सकते हैं पिकनिक स्पॉट में जा रहे हैं रुका डेम। बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज संडे का दिन है। क्या गुंजन देखिए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे घना जंगल है, पूरा घना जंगल है ये, और यहाँ पिकनिक लोग मनाने बहुत ज्यादा आते हैं। और यहाँ पे देखिए एक दुकान में वहाँ पे सारा चीज मिलता है खाने होने के लिए। जरूर जरूर उसके। तो हम लोग रुकर डैम के पिकनिक स्पॉट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है, और जंगल के अंदर में पिकनिक मना रहे हैं। जंगल है, कितना घना जंगल है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए डांसिंग वांसिंग भी चल रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, यहाँ डांस करने का मूड बना रहे हैं लोग, और यहाँ पे देखिए गाना भी बज रहा है, और पिकनिक लगता है इन लोगों ने मना लिया। हम लोग नाच चलाते हैं, तो मुन्ना डांस करेगा? जी गुंजन डांस करेगा? हाँ आप भी नाचिएगा ना, हेलमेट उतार लीजिए भाई। पर वहाँ देखिए डांस चल रहा है, वहाँ भी ले जाते हैं आपको। और हम लोग थोड़ा सा और पहले आते तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलता, भीड़ अभी तो थोड़ा सा घट गया है, भीड़ सब चल गए होंगे पिकनिक मना के। कुछ कुछ जगह डांस चल रहा है, जैसे कि वहाँ चल रहा है, अभी बज रहा था गाना लेकिन बंद हो गया। और यहाँ पे देखिए डांस चल रहा है, बहुत लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पे पिकनिक मना के, आपको दिखा रहे हैं, सब लोग अपना पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे भी बैठे हुए। और वहाँ पे देखिए एक जो आदमी है वो पानी में तैर रहा है, टायर पे आ रहा है, देखिए कैसे आ रहा है, टायर है, टायर है ना, तो वहाँ से कैसे आए टायर। आपको पूरा नज़ारा दिखा देते हैं, कितनी भीड़ है, और चलिए आपको पूरा राउंड घुमा देते हैं, पूरा चारों ओर फैला हुआ है, आप बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांसिंग वगैरह कर रहे हैं। डीजे बंधा हुआ है गाड़ी में, आइसक्रीम मिल रहा है यहाँ पे देखिए आप। तो ये लोग मन बना रहे हैं डांस करने का, देखिए कितना घना जंगल है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बाइक स्कूटी वगैरह खड़ा है, यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा खड़े हैं, ऑटो तक अंदर आ गया है।
कितना नेचुरल और कितना एडवेंचरस प्लेस है ये, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस प्लेस में। अच्छा लगता है इधर का व्यू, इधर देख सकते हैं आप, इधर चारों तरफ से पानी ही पानी है और बीच में जंगल है, जंगल के बीचों बीच सब लोग पिकनिक मनाते हैं। और चलेगा, टेंशन ले लीजिए, बने रहिए आप, हम लोग वहाँ भी डांस करेंगे। देखिए वहाँ पानी टंकी है, वहाँ से मतलब पानी सप्लाई होता है वो ग्रीन वाला के पास से, तो व्यक्ति थे जो डांस करने वाले थे वो भी लगता है चले गए हैं, लेकिन आप जरा एक मिनट रुकिए तो भैया। देखिए पानी टंकी है सामने का, रुका टाइम का पानी टंकी है, और यहाँ पे खाने पीने का भी व्यवस्था है, सामने पे दुकान खुला हुआ है। और हम लोग अब अंदर की ओर जा रहे हैं, इधर ये पानी टंकी है, रुका टाइम का पानी टंकी है, आपको ये एरिया में सप्लाई होता है हर जगह पे, ये पानी यहाँ का ही पानी सप्लाई होता है, दोनों तरफ से पाइप लगा हुआ है, बीच में रास्ता है, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इधर मुन्ना भी साथ में है, देखिए लोग वहाँ पे गए हुए थे पहले, उस वाले पिकनिक स्पॉट पे पहले गए हुए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ बीचों बीच हम खड़े हैं, और यहाँ से देखिए इसका नज़ारा रुका डैम का कुछ इस तरह से है, आपको दिखा दे रहे हैं, पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे फिशिंग भी होता है किनारे में, देखिए यहाँ पे फिशिंग भी लोग करते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अभी शाम के 5 बज चुके हैं, अब हम लोग घर की ओर लौटते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, वंदे मातरम।